इन चेहरों को ध्यान से देखिए। भारत और गैम्बिया के ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दम तोड़ते देखा। 2 महीने से 5 साल की उम्र तक के बच्चे जिनके परिवारों के मुताबिक खांसी की दवा खाने के बाद उनका पेशाब बंद हो गया, शरीर सूजने लगा और गुर्दे खराब हो गए। ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्लड नाक में से ब्लड निकल गया, लंग्स ब्रस्ट हो गए उसके। डॉक्टर साहब बोलने लगे कि ये बच्चा अभी 99% खत्म हो चुका है। मुझे उसका चेहरा और उसकी आंखें हमेशा याद आती हैं, क्योंकि वो मेरी आंखों के अंदर देख रहा था, मैं भी उसकी आंखों में झांक रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी थी कि भारतीय कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स के बनाए 4 कफ सिरप द गैम्बिया में बच्चों की मौत से जुड़े हो सकते हैं और उनमें अस्वीकार्य मात्रा में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल है। इनके शरीर में जाने से उल्टी, पेशाब न आना, गुर्दे खराब होने आदि से जान तक जा सकती है। जब मुझे पता चलता है कि ये दवा भारत से है, मैं उस दवा को नहीं छूता। इस जहर ने कथित तौर पर द गैम्बिया में करीब 70 बच्चों की, जबकि भारत में एक मामले में कम से कम 12 बच्चों की जान ली। दवाई बनाने वाली भारतीय कंपनियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। जम्मू और द गैम्बिया के इन परिवारों के बीच करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी है, जिसको पाटता इनका एक जैसा दर्द है, एक जैसी न्याय मांगने की लड़ाई है जो अब भी जारी है। हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। हम इंसाफ चाहते हैं, जो दवाई बनाने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी के लिए मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। ये उनकी कहानी है। पश्चिमी अफ्रीकी देश द गैम्बिया। अफ्रीका के दूसरे देशों की तरह यहां भी दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत में बनी दवाइयां बड़ी मात्रा में पहुंचती हैं। यहां द गैम्बिया में बच्चों की मौत के बाद भारत के उस तमगे पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। यहां जांच रिपोर्टों ने भारतीय कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स को त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया। सवालों के घेरे में फंसी भारतीय कंपनी और भारत सरकार दोनों ने आरोपों से इनकार किया है। हमने यहाँ सैंपल हमने भी लिया, हमने लेके उसका सैंपल को चेक किया तो पास हो गया। 1 अगस्त को संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि द गैम्बिया मामले में जांच में पता चला कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद मेडन फार्मा को शो कॉज नोटिस भेजा गया और कंपनी को आदेश दिया गया कि वो तुरंत सोनीपत में सभी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि बंद कर दे। मेडन फार्मास्यूटिकल्स का पक्ष जानने के लिए हमने उनसे संपर्क किया और दफ्तर भी गए, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। हालांकि कंपनी ने पूर्व में कहा था कि उन्हें भारतीय रेगुलेटरी और न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। द गैम्बिया में हम जितनों से मिले, कोई भी इस खंडन पर विश्वास करने को तैयार नहीं। I completely disagree with that. हम उससे बिल्कुल असहमत है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास सबूत है और हमने उन दवाओं पर टेस्ट किए। उन दवाओं में अस्वीकार्य मात्रा में एथिलीन ग्लाइकॉल और डाइएथिलीन ग्लाइकॉल था और उन्हें सीधा भारत से आयात किया और उन्हें मेडन ने बनाया। मृत बच्चों में 3 साल का लामिन भी था। लामिन को ड्राइव के दौरान पापा की गोद में बैठना बहुत पसंद था। एक दिन जब लामिन की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने दवा बताई जिसमें कफ सिरप भी थे। मुझे अफसोस है कि मैंने लामिन को दवा क्यों दी। लामिन दवा नहीं पीना चाहता था। मैं खुद से पूछता हूं कि अगर मुझे पता होता तो मैं उसे दवा नहीं देता, पर मैंने लामिन को दवा पीने पर मजबूर किया। लामिन ने दवा पी ली। जल्द ही लामिन का पेशाब और खाना कम हो गया। डॉक्टर ने बताया कि लामिन के गुर्दे में गड़बड़ी है। दवा लेने के 7 दिनों में लामिन की मृत्यु हो गई।
ऐसा ही कुछ 22 महीने की अमीनाता के साथ हुआ। पिता मोमोदू अक्सर बेटी की कब्र पर उसे याद करने जाते हैं। अमीनाता को भारी खर्च पर इलाज के लिए पड़ोसी देश सेनेगल भेजा गया। पिता ने आखिरी बार बेटी का चेहरा एक वीडियो कॉल में देखा। अमीनाता अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध लेटी थी। मैंने उससे बात करनी चाही। मुझे उसका सिर हिलता दिख रहा था। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि ये मैं हूँ, उसके पापा। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? तुम कैसी हो? उसकी माँ भी उसे कह रही थी, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं और ये सब चीजें। वीडियो कॉल के कुछ ही देर बाद अमीनाता नहीं रही। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक द गैम्बिया के लिए भारत में बनी अपेक्षाकृत सस्ती दवाएं बेहद जरूरी हैं। लेकिन बच्चों की मौत के बाद भारत में बनी दवाइयों पर भरोसा कम हुआ है। लामिन डांसो ने अपने 9 महीने के बेटे इस्माइला को खत्म होते देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सभी दवाएं खराब हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो भुगता उससे मुझ में भारत में बनी दवाओं को लेकर डर भर गया है। मैं दूसरों से भी कहता हूँ कि वो भारत में बनी दवाओं का इस्तेमाल ना करें, उनसे नुकसान हो सकता है। लेकिन जानकारों के मुताबिक फिलहाल भारत में बनी दवाइयों पर द गैम्बिया की निर्भरता जारी रहेगी। मैंने बहुत से दवा बेचने वाले दुकानदारों से बात की है, वो सभी भारत से दवा ला रहे हैं। ये दवाएं अमेरिका और यूरोप में बनी दवाओं से बहुत सस्ती होती हैं। भारत का कहना है कि उसका दवा उद्योग गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करता। लेकिन द गैम्बिया ही नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान, इराक, कैमरून से भी कफ सिरप से जुड़े मामलों पर रिपोर्टें और अलर्ट्स आने के बाद भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सामने सवाल बढ़े हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, खासकर द गैम्बिया, उज्बेकिस्तान और उसके बाद हुए मामले। इससे भारतीय दवा उद्योग की छवि को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जहां तक निर्यात का प्रश्न है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमें बताया कि कफ सिरप पर जारी मेडिकल अलर्ट्स का विषय न सिर्फ द गैम्बिया बल्कि दूसरे देशों से भी जुड़ा है, और गड़बड़ी का स्रोत पता लगाने के लिए वो लगातार भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहीं द गैम्बिया की सरकार सुधारों की बात तो कर रही है, लेकिन जब बाहर से लाई गई दवाओं के लिए टेस्टिंग लैब तक न हो तब आम लोगों में भरोसा कैसे बहाल हो। मैं किसी पीड़ित माता पिता जैसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को लेकर अस्पताल गया सिर्फ वहाँ दवा देकर मारने के लिए। जिस सिस्टम को उसे बचाना चाहिए था उसी ने उसके लिए खतरे पैदा किए। हम इस वक्त एक फेरी में हैं और गैम्बिया सेनेगल की जो सीमा है उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो अधिकारी हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है जो देश के भीतर सामान आ रहा है उसकी चेकिंग करना और उसके लिए जो जरूरी संसाधन हैं उनका उपलब्ध न होना। द गैम्बिया तीन तरफ सेनेगल और एक तरफ अटलांटिक महासागर से घिरा है। ये द गैम्बिया और सेनेगल के बीच की सीमा है, और अधिकारी मानते हैं कि द गैम्बिया की सीमा सुरक्षा कमजोर होने के चलते उसे आसानी से पार करने वाले लोगों और उनके साथ आने जाने वाले सामान पर नकेल कसना जरूरी है। सरकारी दावों के बावजूद मृत बच्चों के परिवारों का कहना है कि पिछले एक साल में स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ नहीं बदला है और वो न्याय चाहते हैं। न्याय की यही मांग आपको यहां से हजारों किलोमीटर दूर जम्मू के रामनगर में भी सुनाई देगी। दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में यहां परिवारों के मुताबिक कफ सिरप पीने के बाद कम से कम 12 बच्चों की मौत हो गई थी। 2.5 साल का अनिरुद्ध भी उनमें से एक था। दुदु वाला है। कोट पर है। ये वाला दुदु वाला।
अनिरुद्ध का अस्पताल का ये वीडियो उसकी मौत से 3 दिन पहले का है। सांस नहीं ले पाता था आराम से, कुछ खा नहीं पाता था, आंखें खोलना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसकी स्वेलिंग ज्यादा हो चुकी थी, उसके फेस पे आंखें खुलती नहीं थी उसकी। यहां रामनगर में परिवारों के मुताबिक जिन बच्चों ने कफ सिरप पिया उनमें से कुछ बच गए। पवन के परिवार ने बताया कि उसने भी वही सिरप पिया था, वो 3 महीने अस्पताल में रहे। पवन की आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता बहुत कम रह गई है और उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। डॉक्टर ये बताते हैं जे बड़ा भी हो जाएगा क्योंकि जे बड़ा कोई काम नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई दौड़ नहीं पाएगा, कोई वजन नहीं उठा पाएगा, ऐसे जैसे हम काम करते हैं ऐसा नहीं कर पाएगा। दूर दराज इलाकों में रह रहे इन परिवारों से बातचीत में नाराजगी बेबसी नजर आई कि काश कहीं कोई उनकी बात सुन ले। ये बेमौत मारे गए हैं, जिस मैन्युफैक्चरर ने ये दवाई बनाई और जो ड्रग्स कंट्रोलर्स के ऑफिसर्स थे दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, उन्होंने अनचेक जो स्पुरिस ड्रग था वो बिकने दिया। अगर उस टाइम कॉग्निजेंस ली होती सरकार ने तो गांबिया में ये नहीं होता। अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों को न्याय दिलाने में बहुत मेहनत की। लीगल सैंपल हमने लिफ्ट करके पहले हमने RDTL में भेजा, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़ में। वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने बताया कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डाइथिलीन ग्लाइकोल 34.something%। इट वॉज नॉट अ फाइनल रिपोर्ट, हमने एपलेट अथॉरिटी एपलेट लेबोरेटरी में भेजा, CDL कैलकटा में, और वहाँ से भी वो रिपोर्ट अपहेल्ड होके आई। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन पार्ट स्टार्ट हुआ। जम्मू से कई घंटों की दूरी तय करके हम हिमाचल प्रदेश में हैं जो फार्मा और दूसरी कंपनियों से पटा पड़ा है। हम हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर में हैं। ये जो दफ्तर है ये उसी कंपनी का है जिसके बने कफ सिरप पर आरोप है कि उससे बच्चों की मौत हुई। इस कंपनी का इस पर क्या कहना है हम यही जानने आए हैं। कंपनी के मालिक परशोत्तम गोयल से तो हम नहीं मिल पाए लेकिन फोन पर उनका दावा था कि मृत बच्चों ने उनकी कंपनी की दवाएं नहीं खाई। अब हम बच्चे मारने के लिए थोड़ी बैठे यार, हम बाहर किसी के बच्चे क्यों मारेंगे, क्यों हमारे बच्चे भी तो घर पे हैं, तो हम तो मेडिसिन बना रहे हैं, हमको जहर थोड़ी बना रहे हैं। पुलिस की जांच के बाद मामला अदालत में है। हमें बताया गया कि बच्चों की मौत के बाद 6 महीनों तक फैक्ट्री बंद रही लेकिन अदालत के आदेश के बाद फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया गया। सर देख लो इसको ही, ये कोई भूलने वाला थोड़ी है, वो माँ बाप को ही पता है कि क्या बीतती है उसकी। जम्मू और द गैम्बिया दोनों जगहों में उम्मीदें एक जैसी हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि अपने बच्चों को दवा खाकर दम तोड़ते देखने की त्रासदी से किसी और को न गुजरना पड़े। भारतीय अधिकारी शायद इसे नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। Authorities, regulatory authorities, वो दवा बनाने वाली कंपनियों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। Manufacturers from those countries, बच्चों की मौत पर जांच रिपोर्ट के जारी होने के बाद माक्यू जैनी कायरा को पद से हटा दिया गया। पीड़ित परिवार एजेंसी पर काम में लापरवाही के आरोप लगाते रहे हैं। द गैम्बिया में परिवार न्याय की मांग करने स्थानीय अदालत पहुंचे हैं और कहा है कि वो भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का दरवाजा खटखटाने से नहीं हिचकिचाएंगे। साढ़े 3 साल का कनीश
दो साल के बन्ना, 11 महीने की जानवी, 10 महीने की आई साटू और कई नाम। परिवार चाहते हैं कि कानून पूरी सख्ती से दोषियों के खिलाफ काम करे और उन्हें पता है कि लंबी चलने वाली ये लड़ाई आसान नहीं होगी। डेबलिन रॉय के साथ विनीत खरे, बीबीसी।